हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फॉर क्लास 12th सीबीएसई एग्जामिनेशन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। A lady doctor is to visit an old and female patient for her routine checkups. ठीक है? From the past experiences, it is known that the probability that she will come by Ola cab, metro, car or motorbike are respectively this, this, this and this. अच्छी बात है, यानी ओला कैब से आने का प्रोबेबिलिटी 0.3, मेट्रो से आने का प्रोबेबिलिटी 0.2, कार से आने का प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड मोटर बाइक से आने का प्रोबेबिलिटी 0.4। द प्रोबेबिलिटीज दैट सी विल बी लेट आर दिस 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 एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ शी कम्स बाय ओला कैब मेट्रो कार एंड मोटर बाइक। यानी ओला कैब से अगर आई तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.25, मेट्रो से आने के बाद लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.30, कार से आने के बाद लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.35 एंड मोटर बाइक से आने के बाद लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.10, ठीक है। फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इवेंट्स कैसे हम लिखेंगे, ध्यान से देखो। मैं इवेंट्स E1 लूंगा, E2 लूंगा, E3 लूंगा एंड E4 लूंगा। कैसे कि द डॉक्टर यानी शी कम्स बाय ओला कैब, पूरा लिख लेना, मैंने सिर्फ ओला लिखा है। सी कम्स बाय मेट्रो, ठीक है। इवेंट E3 ले लेंगे, दैट सी कम्स बाय कार, ठीक है। और यहाँ पर इवेंट E4, सी कम्स बाय मोटर बाइक, ठीक है। पूरा ही लिख दो भैया, ये तो बड़ा है, मोटर बाइक है ना, मैं सिर्फ बाइक लिखने का प्लान बना रहा था। अच्छा, फिर यहाँ पर इवेंट E हम लेंगे, दैट सी इज लेट, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है पढ़ते हैं जरा ध्यान से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेडी डॉक्टर विल बी लेट इरेस्पेक्टिव ऑफ हर चॉइस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। यानी आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ऑफ ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ई ओवर E1 इंटू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ ई ओवर E2 इंटू पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ ई ओवर E3 इंटू पी ऑफ E3 प्लस पी ऑफ ई ओवर E4 इंटू पी ऑफ E4, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ही गिवन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, पी ऑफ E1 का मतलब क्या है, यानी वो ओला से आएगी, इसका प्रोबेबिलिटी था 0.3, चेक करो, ठीक है। पी ऑफ E2 मेट्रो से आने का प्रोबेबिलिटी 0.2, ठीक है। फिर यहाँ से आपके कार से आने का प्रोबेबिलिटी दे रखा था 0.1 और फिर मोटर बाइक से आने का प्रोबेबिलिटी था 0.4। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इसके बाद पी ऑफ ई बाय E1, तो इसका मतलब क्या है, 0.25, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से ई बाय E2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.30 या 0.3 लिख दिया है मैंने फ़िलहाल। फिर ई बाय E3, दैट मीन्स 0.35। फिर पी ऑफ ई बाय E4, दैट इज 0.10, ठीक है, 0.10 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं ज़रा। तो जैसे इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करोगे, पी ऑफ ई बाय E1 दैट मीन्स 0.25, लेट मी पुट इट हियर, 0.25 इंटू पी ऑफ E1, यानी ये हो जाएगा 0.3 प्लस पी ऑफ ई बाय E2 दैट इज 0.3 इंटू पी ऑफ E2 यानी 0.2, ठीक है, प्लस पी ऑफ ई बाय E3 दैट इज 0.35 इंटू पी ऑफ E3 यानी 0.1 प्लस पी ऑफ ई बाय E4 यानी ये हो जाएगा 0.1
इंटू पी ऑफ ई फोर यानी 0.4। ठीक है, चलो फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, जरा क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 75/100, ठीक है ना, 000 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे तो ये बनेगा 6/100। ठीक है, जानबूझ के देखो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, अगले में आ जाओ, सो दैट विल बी 35 और नीचे आपका आ जाएगा 100 और एक और जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 4/100, लेकिन मैं क्या करूँगा देखो इस तरीके से, ताकि डिनोमिनेटर सबका सेम रहे। ठीक है, तो चलो ऐसे कर लो, न्यूमरेटर वालों को बड़े आराम से आप ऐड कर सकते हो। 60+40 क्या आएगा बच्चों, ये तो आपका 100 हो जाएगा। 75+35, सो दैट मीन्स ये आपका बनेगा 110। ठीक है, यानी ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा 210। दैट मीन्स 21/100, यानी इसे आप क्या लिख सकते हैं, 0.21। तो बस ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब चलते हैं जरा सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये रहा सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोला हुआ है, तो इसमें कह रहा है व्हेन द डॉक्टर अलाइव्स से इज लेट, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी कम्स बाय ओला कैब। तो यहाँ पर बाय यूजिंग बेस थ्योरम का फॉर्मूला हम सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो अब क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि दैट शी विल बी कमिंग बाय ओला कैब दैट इज पी ऑफ E1 इफ सी इज ऑलरेडी लेट, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा पी ऑफ ई बाय E1 इंटू पी ऑफ E1 और पूरे के नीचे पी ऑफ ई लगा दो, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूँगा, पी ऑफ ई बाय E1 दैट मीन्स 0.25, पी ऑफ E1 दैट मीन्स 0.3, सो दैट विल बी 75/, देखो इस तरीके से, समझे बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, इसको चेक करो, समझे आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्योंकि मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मुझे करना है पी ऑफ ई, सो पी ऑफ ई के लिए मैं यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ, 210/1000। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि 1000 आपको दिख रहा होगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग ओनली 75/210 लेफ्ट विद यू। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, जरा 15 का टेबल रीड करना, 15 5 जा, यानी ये तो 5 आएगा और 15 × 14 ये करके देखो क्या होगा, ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा क्या होता है, तो ये 60 का 0 कैरी 1, 15 1 जा 15 + 6, यानी देखो इस तरीके से, कुछ समझ आया, यानी ये बनेगा 5/15। तो बस ये आपका फाइनली आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट का भी सॉल्यूशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो चुका है, तो इस तरीके से ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।